दोस्तों आज हम आ गए हैं बेगम समरू के महल में, जिन्होंने सरदारा चर्च का निर्माण करवाया था। क्या आप देख सकते हैं ये कितना शानदार महल था जिसको अब स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये इसके आसपास का हम नज़ारा देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। चलिए दोस्तों अब हम आपको महल को नज़दीक से दिखा देते हैं कि महल किस प्रकार का था। चर्च से कुछ दूरी पर स्थित बेगम समरू का महल भी बेजोड़ है। यह इमारत अब संत चार्ल्स इंटर कॉलेज का रूप ले चुकी है। महल में स्नान घर की दीवारों और छत पर रंगीन नक्काशी शानदार कारीगरी दिखती है। इसके असली रंग अभी तक कायम है। इसके निर्माण कार्य का जिम्मा भी चर्च को भव्य रूप देने वाले एंथोनी रेगेलिनी पर था। महल के निर्माण में करीब 10 वर्ष लगे। चर्च के निर्माण पूरा होने के बाद इसका निर्माण वर्ष 1825 में शुरू हुआ और 1835 में बनकर तैयार हुआ। इस महल में बेगम केवल एक वर्ष ही रही और 1836 में उनकी मृत्यु हो गई। आलीशान महल का असली दरवाज़ा उत्तर की ओर है। इसे शेर दरवाज़ा कहा जाता है। बेगम के वक्त से इसके स्कूल में बदल जाने तक मुख्य द्वार शेर दरवाज़ा ही था। संत फ्रांसिस प्राइमरी स्कूल की स्थापना सन 1886 ईस्वी में कैपुचिन फादरों द्वारा बेगम के पुराने महल में की गई थी। तत्पश्चात मिडिल स्कूल का दर्जा प्राप्त होने पर इसको सन 1910 में बेगम समरू के नए महल में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1934 में इसे हाई स्कूल का और 1952 में इसे इंटरमीडिएट स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 1955 ईस्वी में यह विद्यालय आगरा के आर्च बिशप स्वर्गीय श्रद्धेय इवांजिस्टी वन्नी द्वारा मैनफोर्ड ब्रदर्स ऑफ संत गैबिस धर्म संघ को हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों अब तक हम समरू के महल की हिस्ट्री जान चुके हैं। अब आप देख ही सकते हैं महल कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी इसके ऊपर नक्काशी की गई है, कितना बेहतरीन तरीके से इस दो मंजिला महल को बनाया गया है, किस तरह इसको पिलरों से सजाया गया है। ये महल देखते ही बनता है। और अब तो ये स्कूल में बदल गया है, तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आज शिक्षा के मंदिर के रूप में प्रयोग हो रहा है और बच्चों को शिक्षित कर रहा है। इतनी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस का इससे अच्छा यूज़ कुछ हो ही नहीं सकता। ये अब हम स्कूल की बाहर की ओर आ गए हैं और आपको चारों तरफ का एरिया दिखा रहे हैं, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार इस काफ़ी बड़े एरिया में फैले गए महल को सजाया गया है। यह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट फुटबॉल और अन्य गेम को खेलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इस महल का इतना शानदार प्रयोग जो हुआ है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा खेती की ज़मीन भी है यहाँ पर जो कि महल की प्रॉपर्टी है। ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है और ये स्कूल का नाम। और अब हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं, ये बाहर की तरफ एंट्रेंस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।